जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही है, तो आज का जो वीडियो जो है, जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ, वो बहुत ही दिलचस्प विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक वजीना के पीछे पूरी दुनिया तैयार है, पूरी दुनिया इसी चीज के पीछे परेशान है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता, इनफैक्ट फीमेल तक को ये नहीं पता कि उसकी वजीना में कितने होल होते हैं। वो फीमेल जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक इस वजीना को कैरी करके घूमती है, लेकिन उसे अपने अंत तक ये नहीं पता लगता कि उसकी वजीना में होल कितने हैं। इस वजीना में टोटल 6 होल होते हैं और एनस को मिलाकर एक फीमेल बॉडी में 7 होल पाए जाते हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे रिया मैम, मतलब बोलने के नाम पर कुछ भी बोलती है। तो अगर आप लोग डिटेल में इसी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाइएगा, मैं सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना कि साँच को आज ही क्या, तो आपके पास चीजें अवेलेबल हैं। अगर आपकी लाइफ पार्टनर है तो आप जाकर चीजों को देख सकते हैं कि 6 होल वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जो मेल जो है जो सोचते हैं यार 10 साल हो गए शादी को, 5 साल हो गए, हमने तो आज तक नहीं देखा, एक ही होल देखा हमने तो अब वो जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से जो फीमेल है जिन्हें आज तक इन चीजों के बारे में मालूम नहीं है, वो भी जाकर चेक कर सकती है, उन्हें भी वो हॉल नजर आएंगे। तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको उन हॉल्स के बारे में कि वो कहाँ है और कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट होल। तो सबसे पहला जो होल होता है वो क्लिट पर होता है, जिससे हम पी पास करते हैं। आई मीन जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारा, वो यूरिन के थ्रू उस जगह से पास होता है, उसे पी होल भी कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे यूथेरल बोलते हैं। दूसरा होल जो है वो होता है जिसके लिए दुनिया दीवानी है। इतिहास में बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, बड़ी बड़ी कहानियां रची गई, दैट इज योर वजाइना। इस होल से ही बच्चे पैदा होते हैं और यही होल सेक्स या इंटरकोर्स के लिए यूज किया जाता है। थर्ड होल वो होता है जिसे एनस कहा जाता है, जिससे कि बॉडी का वेस्ट मटेरियल स्टूल बनकर पास आउट होता है। अब बचे वो 4 होल। सारी मिस्ट्री इसी चीज की है कि वो 4 होल कहाँ है जो नजर नहीं आते, किधर होते हैं ये 4 होल, इनका यूज क्या होता है हमारी बॉडी में। 4 होल होते हैं ये बहुत ही माइक्रो होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि एकदम से नजर नहीं आते। ये ग्लैंड के रूप में होते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड और एक को कहते हैं स्किनी ग्लैंड। स्किनी ग्लैंड के भी 2 छोटे छोटे होल होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में, और जो बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं इसके भी छोटे छोटे होल होते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। अब ये कहां होते हैं एग्जैक्टली, किस प्लेस पे आपको ये देखने को मिलेंगे? तो जो स्किनी ग्लैंड वाले जो 2 होल होते हैं, या आपको पी होल जो होता है उसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उधर आपको लेफ्ट और राइट साइड में छोटे छोटे से ये 2 होल देखने को मिलेंगे। तो बार्थोलिन ग्लैंड है, इसके जो 2 छोटे छोटे सूक्ष्म होल होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे वजेना जहां से ओपन होती है उस ओपनिंग वाली साइड में आप लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो आपको 2 छोटे छोटे होल देखने को मिलेंगे। अब इन ग्लैंड का काम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। अगर ये दोनों होल ना हो तो सेक्स की शुरुआत ही ना हो पाए, और अगर ये दोनों होल ना हो तो सेक्स का अंत भी ना हो पाए। मतलब वही बात है, आदमी बस घिसता ही रहेगा, घिसता ही रहेगा, घिसता ही रहेगा, जो बीवी है उसकी बोलेगी नहीं कि बस कर। अब आप लोग बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, तो वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब चीजें हो रही होती है तो ये बहुत जरूरी होता है कि वजीना के अंदर लुब्रिकेंट हो, ताकि जो चीजें हैं वो स्मूथ तरीके से हो पाए। अब वो लुब्रिकेंट आता कहां से है, वो प्रोड्यूस कहां से होता है, तो जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है, जो छोटे छोटे होल होते हैं बार्थोलिन ग्लैंड के, वहीं से वो जो लुब्रिकेंट है वजीना में जाता है और वजाइना को रेडी करता है कि हाँ भाई अब जो वजाइना है वो कंप्लीटली तैयार हो चुकी है पेनिस को अपने अंदर इंसर्ट कराने के लिए। और जब चीजें ये होती चली जाती है तो एक टाइम आता है, एक वक्त आता है उस फीमेल का डिस्चार्ज होने का। अब वो जो डिस्चार्ज वाटर होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो स्किनी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद आपके सेक्स का एंड हो जाता है और वो वुमेन जो होती है, जो फीमेल होती है, वो सैटिस्फाइड मोड में होती है और कहती है यस आई एम सैटिस्फाइड। तो आप खुद ही सोचिए, खुद ही दिमाग लगाइए कि अगर किसी फीमेल वजाइना के अंदर ये स्किनी ग्लैंड है ही नहीं तो अगला तो घिसता रह जाएगा ना, वो तो हर 15 मिनट के बाद उसकी ड्यूटी लग जाएगी कि करो करो, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, मैं डिस्चार्ज नहीं हुई। इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप घिसते चले जाओगे। तो एक मेल का जो डिस्चार्ज होता है वो उसके पेनिस से होता है, लेकिन एक फीमेल का जो डिस्चार्ज होता है वो उसके स्किनी ग्लैंड से होता है। ये ना एक हमेशा एक मिस्ट्री सी बनी रहती है कि यार मेल का तो सामने ही दिख जाता है कि हाँ डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है, लेकिन फीमेल का पता ही नहीं लगता। बस वेट वेट सा पता लगता है कि हाँ कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं लगता, दिखता नहीं है कि वो होता कहाँ से है। तो वो स्किनी ग्लैंड से होता है। मेल का जो पेनिस होता है उस पर जो पी होल होता है वो यूरिन पास करने का काम भी करता है, वहीं से लुब्रिकेंट आता है और वहीं से ही डिस्चार्ज भी होता है। तो एक ही चीज 3 काम कर रही होती है, लेकिन जो फीमेल है उसकी बॉडी में ये तीनों काम अलग अलग ग्लैंड मिलकर करती है।
अब कुछ फीमेल ऐसी होती है जो कि स्क्वर्टिंग करती है, आई मीन पानी का फुव्वारा छोड़ती है। ये जो पानी का फुव्वारा छूटता है इसे स्क्वर्टिंग कहते हैं और ये यूथेरल करता है। स्क्वर्टिंग जो होती है वो हर एक फीमेल को नहीं होती, 90% फीमेल को स्क्वर्टिंग नहीं होती, लेकिन जो फीमेल इस स्क्वर्टिंग को समझती है और वो जानती है कि हाँ पानी का फुव्वारा भी छूटता है और वो इसे करना चाहती है, तो उसके लिए जो मेल है उसको क्लिट और जी स्पॉट को एक साथ स्टिमुलेट करना होगा, तभी जो फीमेल है वो स्क्वर्टिंग करेगी, वरना नहीं कर पाएगी। स्क्वर्टिंग जो है वो एक अलग टॉपिक है, जी स्पॉट भी एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो आपको ये चीजें समझाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब कंक्लूजन यही है कि फीमेल बॉडी, खासकर जो वजाइना है, ये अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसके पीछे दुनिया पागल है। सी डॉक्टर कोई नहीं बनना चाहता इस उम्र में, पढ़ाई तो कोई नहीं करना चाहता। अगर आप खुद भी जाकर इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो 2 घंटे में आपके सर में दर्द होने लग जाएगा, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्यों पढ़ रहा हूँ। ये जो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी, ये 5 मिनट की इन्फॉर्मेशन में मैंने 2 घंटे का पूरा निचोड़ निकाल के आपके सामने रख दिया, जितनी एक नॉर्मल इंसान को नॉलेज होनी चाहिए, जितना उसको पता होना चाहिए ताकि वो अपनी सेक्स लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए। आप खुद ही सोचिए ना, आपके पास मर्सिडीज है राइट, और मर्सिडीज को आप खेतों में ले गए चलाने के लिए, एंजॉय नहीं कर पाए कि चलाना कैसे है, तो रास्ते भी तो पता होने चाहिए ना, कहां से क्या होता है, किस तरीके से हम चला सकते हैं और उसका एंजॉय ले सकते हैं। तो बस इतनी बेसिक से नॉलेज, इससे ज्यादा आपको जानने की भी जरूरत नहीं और ना मुझे समझाने की जरूरत है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।